फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, ओपन योर हिंदी बुक चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 61। आपने चैप्टर रीड करा अच्छी तरह से। हमने इससे पहले शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर सब अच्छी तरह से लर्न किए थे। आज हम करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या है? निषेधात्मक वाक्य। निषेध मतलब जब किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है, जो चीज़ नहीं होती है। जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने का पता ना चले उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे ना होने का, किसी काम के ना करने और ना होने का पता चले। जैसे राम मेरा मित्र नहीं है, तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है? नहीं। तो नहीं का मतलब है ये निषेधात्मक, मतलब मेरा मित्र रमन नहीं है। इसके बाद है निम्न वाक्यों को निषेधात्मक वाक्यों में बदल कर लिखिए। तो इसको हमें कैसे लिखना है? जैसे फर्स्ट है हमारा, पंचायत के बाद जुम्मन अलगू के घर गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पंचायत के बाद जुम्मन अलगू के घर नहीं गया। नहीं हमने लगाया ना, नहीं गया। नेक्स्ट है, अलगू ने एक बैल का जोड़ा खरीदा था। तो इसका क्या हुआ? अलगू ने एक बैल का जोड़ा नहीं खरीदा था। नेक्स्ट, जुम्मन बूढ़ी मौसी की बहुत इज्जत करता था। तो इसको हम कैसे करेंगे? जुम्मन बूढ़ी मौसी की बहुत इज्जत नहीं करता था। मौसी के पास दो खेत थे। मौसी के पास दो खेत नहीं थे। खेतों में, खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम रह सकती है। खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम नहीं रह सकती। तो आपने देखा निषेधात्मक वाक्य में हमने किसका प्रयोग किया? नहीं का। तो इससे हमारे वाक्य निषेधात्मक वाक्य बन गए। इसके बाद है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब शुद्ध करके आप देखेंगे कैसे हम शुद्ध करके लिखेंगे। अब है विचार, विचार नहीं विचार, वा आता है इसमें विचार। न्यायालय, इसमें आधा ना लगाएंगे हम, न्यायालय। सरपंच, तो आपने देखा रा के ऊपर बिंदी है लेकिन सरपंच में आती है, पा के ऊपर बिंदी हम लगाएंगे सरपंच। बैला, बैला तो कुछ होता नहीं है, क्या होते हैं? बैल। फिर वस्त्र, वस्त्र है ना, जबकि वस्त्र, वा आता है। जानवर, जानवर को हम क्या बोलते हैं? सही शब्द क्या है? जानवर। तो ये हमारे शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग आपको पता ही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदलते हैं और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में।